अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज यासिर रियाज। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास की केमिस्ट्री के रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर 1। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन क्या है, उसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट कब होता है? रिएक्शन तब कंप्लीट होता है जब एक रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट बना दे, यानी कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करें तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट हासिल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्टेंट क्या होती हैं? जो चीजें कंबाइन हो रही होती हैं और एक क्या होती है, एक और फॉर्म बना रही हूँ, तो वो क्या देती है, हमें प्रोडक्ट देती है। सम कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट रिएक्शन वो होते हैं जो कंप्लीटली तौर पर रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रही हो, प्रोडक्ट में, उसमें हम कह रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन। और सम कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो टोटली प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे होते। यानी प्रोडक्ट सम टाइम प्रोडक्ट जो कुछ थोड़ी बहुत बन जाती है वो रिएक्टेंट में दोबारा चेंज हो जाती है, या रिएक्टेंट का 50% हिस्सा प्रोडक्ट में चेंज होता है, 50% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट में 50% चेंज नहीं होता, यानी कि अगर इसका 70% प्रोडक्ट में चेंज होता है तो इसका यानी कि 30% प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता। रिएक्शन नॉट स्टॉप, यानी कि रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, यानी कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है। एक तो रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं होता और दूसरा स्टॉप नहीं होता। जो कंप्लीट रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट फौरी तौर पर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप नहीं होता। उसके बाद रिएक्शन नॉट स्टॉप, रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन विद इक्वल रेट्स। अब इसमें हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट ये है कि रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन के अंदर, जो रिएक्शन होता है वो इक्वल रेट से हो रहा होता है। जब रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में, यानी रिएक्टेंट की डायरेक्शन में भी और प्रोडक्ट की डायरेक्शन में भी इक्वल रेट से हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं इक्वल रेट के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल रिएक्शन, अब रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनता है, H2O वाटर बनता है। अगर ये वाटर टूटे और हमें दोबारा क्या दे रहा हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना और प्रोडक्ट का दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इक्विलिब्रियम फिनोमेना आमतौर पर एटमॉस्फेयर के अंदर भी होता है। कहां पे इक्विलिब्रियम फिनोमेना हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखें कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा होता है, यानी कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होता है और ऑक्सीजन इनहेल कर रहा होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन। और प्लांट केस में भी इसी में फोटोसिंथेसिस के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है। अब हम एक टॉपिक मेन की तरफ आते हैं, इसमें आता है रिवर्सिबल। एक्चुअली ये टॉपिक बुक पे है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं इस लेक्चर में आपको जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन किस तरीके से रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, और सबसे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या चीज है, जो चीज कंबाइन हो रही हो, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो कंबाइन हो रहे हो तो इन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और वो चीज जो रिएक्टेंट के कंबाइन होने के नतीजे में बन रही हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यही एग्जांपल आप देख लें, ये दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं, ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं,
कंबाइन हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या बन रहा है, H2O वाटर बन रहा है। तो इसमें रिएक्टेंट क्या चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो, दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज ना हो उसके, तो हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसको हम किस साइंस एरो पे जो हम साइन यूज करते हैं उसके लिए ये साइन यूज करते हैं, इस टाइप का साइन, यानी एरो के एक साइड पे साइन होता है ताकि ये शो करे कि रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। इसके साइन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन जब ये है कि जब हम कोई से दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं उसके नतीजे में प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट दोबारा टूट के उन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है और प्रोडक्ट से फिर हम दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कंप्लीट कभी भी नहीं होता, यानी उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहा होता है। और इसमें हम जो साइन यूज करते हैं वो ये वाला साइन एरो यूज करते हैं। ये इस एरो को देख के भी कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा हो किसी भी जगह पे भी, किसी भी टीचर ने अगर कोई मेंशन किया हुआ, तो हम इन एरो के जरिए भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन इधर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। यानी कि अगर ये एरो साइन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं इसके अंदर। जबकि साइन एरो अगर ऐसा हो तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं हो रही। उसके बाद हम आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, कि रिएक्शन किसी और फॉर्म में चेंज हो जाए, यानी हमने पीछे कंसेप्ट लिए हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, और ये है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, कि कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें उसकी शेप, कलर कोई और है रिएक्टेंट का, जब वो प्रोडक्ट में जाता है तो उसका कलर शेप और हो जाता है। यानी कि अगर समटाइम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में, हम हाइड्रोजन और आयोडीन को जब एक फ्लास्क के अंदर गर्म करते हैं, यहाँ पे आयोडीन जो है वो किस कलर की है, पर्पल कलर की है, लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है इस रिएक्टेंट के नतीजे में तो वो कलर लेस हो जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पर्पल है, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है वो क्या है, कलर लेस हासिल हो रही है। उसकी क्या वजह है, ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि उसके रिएक्टेंट की जो अपीयरेंस है, जो उसकी फीचर्स हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर जाके टोटली चेंज हो जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है। इस केस में भी हमने जब हाइड्रोजन और आयोडीन पर्पल को हीट किया, यानी आयोडीन यहाँ पे क्या थी, पर्पल थी, जब इसको हीट किया गया तो हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल हुआ, जो कि क्या है, कलरलेस फॉर्म में हासिल हुआ फ्लास्क के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन ये होता है कि हमने जैसे फॉरवर्ड के केस में पढ़ा कि हमें रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाया, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड कलर लेस फॉर्म में हमें प्रोडक्ट हासिल हो गया है, अब हम रिवर्स रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, उस हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर रिएक्टेंट को हीट किया था, हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट किया था और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल किया था। रिवर्स रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट कर रहे हैं। ये जो साइन शो कर रहे हैं, ये हीट को शो कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन पर्पल हासिल हो रहा है। मेरे ख्याल में आप लोगों को यहां पे समझ आ गई होगी कि रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड को हम कलरलेस फॉर्म में थे और जब उसको हमने हीट किया तो इसके क्या हासिल हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन किस फॉर्म में आ गए, पर्पल फॉर्म में। अब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन पर्पल फॉर्म में,
यूज किया था और प्रोडक्ट कलरलेस हासिल की थी, जबकि रिवर्स किसी का रिवर्स बैक करना, किसी चीज को वापस उसी की हालत में ले आना, तो इसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं और पर्पल फॉर्म एरिया में हासिल हो जाता है। इसके बाद इसका कंबाइंड रिलेशन हम यहाँ पे ये इक्वेशन ये शो कर रही है, कंबाइंड रिलेशन शो कर रही है यहाँ पे कि किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहे हैं। यानी ये देख लो, यूं समझ लो कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमने अलग अलग शो करवाए हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को, यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में हमने इक्वेशन शो करवाई और साथ ये भी कि हम किस तरह से इनको हीट करते हैं और किस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। अब ये कंबाइंड इसका क्या कंबाइंड इसका रिएक्शन ये है कि हाइड्रोजन और आयोडीन को हम रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल हुई कलरलेस फॉर्म में। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने हीट करवाया तो आयोडीन वेपर की फॉर्म में हासिल हुई, कलर फुल वेपर्स की फॉर्म में हासिल हुई पर्पल शक्ल और हाइड्रोजन गैस। यानी कि इसमें यह है कि हाइड्रोजन को हीट करवाया हाइड्रोजन और आयोडीन गैस पर, हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल हुई हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करवाया तो हमें ये दो चीजें हासिल हुई। और एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की हम लेते हैं। अब हम ओपन फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे डाल देते हैं और उसको हम क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवाते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये देखिए यहाँ पे हमने रिएक्शन में लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो उसके नतीजे में दो चीजें हासिल होती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड तो यहाँ पे रह जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फ्लास्क ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर खारिज हो जाती है। और ये इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा इस फॉर्म में नहीं आ सकती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में चेंज होकर एनवायरमेंट के अंदर चली गई है। अब हमारे पास ये दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे दोबारा हम इसको बना सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में, क्योंकि ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी दोबारा फॉर्म में हासिल नहीं हो सकता। और जब हम अगर इसे हम रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं लेकिन उनके ऊपर फ्लास्क जो होती है उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं। फिर जब उसको हीट करते हैं तो इससे जो हमें हासिल होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होते हैं जो कि क्लोज फ्लास्क के अंदर ही होते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें तो रिमूव हो गई थी, इसमें होल फ्लास्क के अंदर ही है, पर फिर हम इसको दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है इस केस में। अब देखिए इसमें हमने फ्लास्क को ओपन छोड़ दिया और इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, जबकि इसमें हमने फ्लास्क को क्लोज कर दिया और हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को चेंज किया कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में। अब हम इन दोनों को दोबारा मिला के इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये था आज हमारा टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन के रिलेटेड, कि क्या रिएक्शन किस तरह से रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड है, कैसे रिवर्स रिएक्शन है, और उनकी कंप्लीट हमने दो एग्जांपल भी की, ये हाइड्रोजन आयोडाइड की देख लो और कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि जो बच्चे घर में इस पेंडेमिक सिचुएशन में बैठे हुए हैं, जिनकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही हो, जिनके पेरेंट्स भी परेशान हैं कि बच्चों को कैसे हम तालीम या एजुकेशन दें, क्योंकि दूसरी अगर वो ऑनलाइन क्लासेस बड़ी अकेडमियों के अंदर या स्कूलों में अंदर लेते हैं तो वो तकरीबन 6,000-7,000 पर मंथ उनसे फीस चार्जेस करते हैं, जो कि इस सिचुएशन में हर बंदा जो भी है वो एक अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उनको बहुत सी मुश्किल पेश आ रही है। कल मैं आपको लेक्चर नंबर 2 दूंगा, उसके में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।